अब अपनी गाड़ियाँ सामने ले लो। बस बस भाई भैया जो फिर गाड़ी में सर ये सबको आदाब, सबको आदाब। आज तेलंगाना स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो है वो मेजर मोरलेस 1000 पे पीसफुली ख़त्म हो गया। इसमें अभी तक जितने वोटिंग किया और 5 बजे के बाद जो लोग वहाँ पे पोलिंग बूथ पे उन लोग को वोटिंग करने के लिए फैसिलिट किए गए और अभी कुछ पोलिंग स्टेशन पे अभी भी पोलिंग चल रहे हैं। आज कुछ MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का केसेस भी रजिस्टर किया। उसमें कुछ केसेस ऐसे है कि जिसमें बोगस वोटिंग करने का कोशिश किया लेडीज़ ने, भवन नगर PS में उनके ऊपर भी केसेस रजिस्टर किया। उसके बाद कुछ MCC वायलेशन केसेस यासिर अराफत के ऊपर किया, या एक केस ऑन जो 144 सेक्शन वायलेशन है उनके ऊपर केस हुआ था, एंड एक और अमजदुल्ला खान जो याकूतपुरा का MBT कैंडिडेट है उनके ऊपर एक केस हुआ, एंड बहादुरपुरा में एक केस हुसैनी बादशाह बोल के एक कॉरपोरेटर है जो उनके जिनके ऊपर भी वायलेशन केस MCC वायलेशन केस हुआ, एंड एक और केस जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड MM लोकल वर्कर्स के ऊपर हुआ था हुसैनी आलम PS में। ये ओवरऑल लेस MCC वायलेशन का केसेस है। बाकी जितने भी इलेक्शन है सारी पीसफुल हुआ, सभी लोग जो इलेक्शन पीसफुल करने में सभी लोग जितने जो भी लोग सारी लोग जितने भी लोग हमको कॉपरेट किया सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। एंड अभी के लिए फ़िलहाल के लिए वापस EVMs वापस भेजने के लिए इंतजाम पे हम लोग है। थैंक यू, जय हिंद। सर बोगस नहीं करते कोई पकड़? हाँ वो बोला था ना आपको, बहादुरपुरा में भवन नगर पे 3 लेडीज़ को पकड़ा गया, उनके ऊपर भी केस रजिस्टर हुआ। थैंक यू, थैंक यू।